हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैंने कट कर लिए वेजिटेबल्स लाइक टमाटर है और हरी मिर्च है करी लीव्स है ड्राई करी लीव्स है अगर फ्रेश करी लीव्स हो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन कह सकते हैं या लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं तो मैंने ना एक नाइट पहले ये बनाया था इडली सांभर तो इडली तो बस जब भी मैं बनाती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि वो लंच देने में भी काम आ जाता है या तो ब्रेकफास्ट वगैरह में भी काम आ जाता है तो ऑयल लिया है मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है इसमें मस्टर शीट ऐड कर दिया है करी करीलिप्स ऐड कर दिए बस इनको जब बिल्कुल सी ये थोड़ा तो क्या बोलते हैं चिटकने लगे या जो भी हो आपकी लैंग्वेज में इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और बस बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं इसके बाद मैं इसमें जो कटी हुई इडली है ना मैं इमली बोलने जा रही थी तो वो ऐड कर देना है और मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया बस इतनी ही चीज़ें चाहिए ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए भी नहीं बहुत ईजीली बन जाता है तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया इसके बाद में इसमें ऐड कर दूँगी कटी हुई इडली तो बस ये मैंने ऐड कर दिया और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है और हेल्दी का हेल्दी भी होता है तो बस मैंने ये ये यहाँ पे तैयार हो गया है और इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में ठंडा होने के लिए इसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा फिर मैं इसे पैक कर दूँगी लंच बॉक्स में और हेथविक के लिए भी मैंने सेम ऐसे ही किया है बस उसमें रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया है ना ग्रीन ग्रीन चिली एड करिए क्योंकि वही है कि बच्चों को थोड़ा सा भी स्पाइसी लगता है ना और ख़ास करके टिफ़िन वगैरह में उन्हें खाना हो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैं उसे बिल्कुल ही प्लेन देती हूँ ताकि वो इजीली खा सके घर पे होता है तो मैं कैसे भी करके खिला लेती हूँ लेकिन जब टिफ़िन वगैरह में देना होता है तो मैं बिल्कुल भी उसमें रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करती हूँ अवॉइड करती हूँ तो बस ये हो गया यहाँ पे तैयार बच्चों का टिफ़िन और आज मुझे इतनी कोई खास सब्ज़ी नहीं बनानी है तो यहाँ मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी पहले तो मैंने सोचा इसे शूट नहीं करती हूँ बट वही है कॉन्टेंट तो चाहिए ही ना तो इस वजह से बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं तो बेसन में बेसन में मैंने नमक ऐड किया था जो बेसिक मसाले ऐड किए थे और बस उनको जैसे डोब तैयार करते हैं ना आटे का इसी तरीके से बेसन का डोब तैयार कर लिया था बिल्कुल मैंने एक ही बनाया क्योंकि ये सब्ज़ी तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ ऑनली हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो बस इस तरीके से बना करके और इसे मैंने गर्म पानी में बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था तो बिल्कुल अच्छे से गट्टे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितनी ईजीली ये कट जा रहा है और बस एक बच्चे भी नहीं खाएंगे और मैं भी नहीं खाऊंगी तो बिल्कुल हस्बैंड के लिए ही है ओनली तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है जब कट करते हैं ना तो खुद ही पता चल जाता है कि प्रॉपर ये मतलब पक चुका है या नहीं बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं होना चाहिए तो बस इस तरीके से तो पता चल जाता है तो फिलहाल ये हो गया है और इस सब्जी में ना इसको तो वैसे तरह तरह के से बना सकते हैं बट ये कि इसमें प्याज टमाटर भी ऐड करते हैं बट मैं अभी जो बनाऊंगी ना उसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं ऐड करूंगी सिंपल सी सब्ज़ी है और ये सब्जी बनाना भी काफ़ी ईजी है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो ऑयल लिया ऑयल में थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को बहुत अच्छे से भूनना है और साथ में मैंने हींग भी ऐड कर दी है इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी जाएगा और करी लीव्स ऐड करेंगे और जिस पानी मैंने बॉयल किया था ना गट्टे को वही पानी इसमें रीयूज़ करेंगे तो बस इस तरीके से अब ये देखिए मैंने मसाले सॉरी मसाले नहीं हल्दी और नमक ही ऐड किया ज़्यादा कुछ नहीं तो बस इसको बिल्कुल अच्छे से बेसन भून चुका है और जो पानी जिसमें बॉयल किए थे ना गट्टे तो वही पानी इसमें मैंने यूज़ किया कर लिया है अब इसे बॉयल होने देंगे करी लीव्स ऐड कर दी है और इस तरीके से करी लीव्स का इसमें टेस्ट आ जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है बट पता नहीं क्यों मुझे ये सब्जी इतनी खास नहीं लगती क्योंकि पूरा बेसन बेसन होता है ना तो पर्सनली आई डोंट लाइक बेसन तो बस इस तरीके से ये हो गया इसे आने देंगे बॉयल दो से तीन बार अच्छे से बॉयल आ जाएगा इसके बाद इसमें ऐड करूँगी गट्टे जो बॉयल किए हैं वो ऐड कर देना इसके बाद इस पर ऊपर से देंगे तड़का अगर इसमें आप फ्रेश करी लीव्स ऐड करते हो तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो हाँ ये कि जब ये बनती है ना तो थोड़ा सा जस्ट फॉर टेस्ट मैं खा लेती हूँ बट एक होता है ना कि आपका पर्सन मतलब आपको टेस्ट इसका मतलब होता है ना कि आपको पसंद है या नहीं मेरी लायकी में नहीं है कुल मिला के ये है तो ऑयल लिया है अब इसको ऊपर से करेंगे सब्जी को फ्राई इसमें मैंने कोरिएंडर शीड ऐड किया कोरिएंडर है। शीड है मसाला शीड है और थोड़ा सा मैंने जीरा भी ऐड कर दिया इसमें और सूखी लाल मिर्च साबुत भी ऐड करी है और ड्राई जो पाउडर है ना मिर्ची पाउडर वो भी मैंने ऐड करी है और हींग भी ऐड करा है तो बस इस तरीके से इस ऊपर से दे, कर देंगे फ्राई और ये सब्ज़ी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और वैसे भी ना आप जब फ्राई करते हो ना किसी भी चीज़ में तो बहुत ही देखने में लुक अच्छा लगता है और इसकी ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा कर्ड भी ऐड किया था तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा तो हो जाता है। तो चिकन लिया है और इसमें खूब सारा मैंने अदरक ऐड किया है आ, कुटा हुआ और लहसन ऐड किया है अदरक और लहसन दोनों को ही मैंने एक साथ ही कूट लिया था और बाद में बहुत सारी इसमें अच्छी क्वांटिटी मैंने हरी मिर्च ऐड करी है बट ये हरी मिर्च बस देखने भर की है ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है अच्छा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आज मेरा गला बहुत ख़राब है मुझे बहुत कोल्ड हो गया है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा कि मे बी वॉइस अच्छी नहीं लगे सुनने में तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना तो बस ये सारी चीज़ें ऐड कर लिया और साथ में मैंने दही ऐड करा है और इसमें आज मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड करने वाली हूँ लाइक बेसिक जो मसाले होते हैं ना वो सब मैं नहीं ऐड करूँगी बिल्कुल सिंपल से ही ये बिरयानी बनाऊँगी आप बिरयानी बोल सकते हो या सिंपल पुलाव बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो आज कुछ खास ऐसा मेरा हैवी बनाने का भी मन नहीं था और ना खाने का मन था तो मैंने सोचा बिल्कुल लाइट सा ही कुछ बनाते बिरयानी टाइप का तो ये बस ये चीज़ों से मैंने मैरिनेट कर लिया सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करके लौंग इलायची और फ्राइड ऑनियन था तो वो मैंने ऐड कर दिया इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके रख दिया रेस्ट करने के लिए और यहाँ पे मैंने पैन में वही साबुत मसाले लिए इलाय बड़ी इलायची तेज़पत्ता है काली मिर्च है लौंग है और कोरिएंडर शी होता है ना वो ऐड किया है साथ में और स्टार एलिस्ट मैंने ऐड किया है तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे ले लिए हैं और इसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया है बस चिकन को करेंगे फ्राई और इधर साइड में मैंने पैन में ना गर्म कर दिया था पानी अच्छे से बॉयल हो गया है इसमें भी सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए और राइस ऐड कर दिया वॉश करके तो यहाँ पर हाफ कुक कर लिया मैंने राइस और बस इसे यहाँ पे वॉश कर लेंगे सॉरी वॉश नहीं कर लेंगे पानी सेपरेट कर लेंगे और बस इस तरीके से ये देखिए ऊपर से मैंने हरी मिर्च और ऐड करी है ये मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और मीडियम फ्लेम पे चिकन को बनाना है और आप देख सकते हैं इसका लुक अभी मतलब हाफ एटी परसेंट पक चुका है अभी ट्वेंटी थर्टी परसेंट आई थिंक बाकी है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा तो मैंने ना थोड़ा सा इसमें क्रीम भी ऐड करा है और आज मेरा मन है कि थोड़ा वाइट वाइट सी ग्रेवी टाइप का जो बनता है ग्रे वाइट चिकन कह सकते हैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगी बिरयानी है तो बस वो मैंने ऐड कर दिया है और हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है और बस ये सारी चीज़ें ऐड कर दिए हैं फिर जो राइस है ना राइस ऐड कर दिया ऊपर से खूब सारा घी ऐड कर दिया और फ्राइड ऑनियन ऐड कर दिया है और ऊपर से ऐड करूँगी कोरियन लीव्स कटी हुई अब बस इन सारी चीज़ों से मैंने कवर कर दिया है और चिकन की भी मैंने एक ही लेयर लगाई है ज़्यादा कुछ है मैंने नहीं किया है बिल्कुल सिंपल सी बिरयानी बनाऊंगी बिरयानी या पुलाव जो भी आप बोल सकते हो आपकी लैंग्वेज में और ऊपर से मैंने फॉल पेपर से बिल्कुल अच्छे से इसको पैक कर दिया है और ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है बिरयानी या पुलाव जो भी बोलो तो बिल्कुल और थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड करा है थोड़ा एक मतलब अच्छा सा लुक देने के लिए आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं और आज इस पर टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया बिल्कुल सिंपल से ये पुलाव चिकन पुलाव बोल सकते हैं आई होप आपने इंजॉय किया होगा और इसी के साथ करते हुए वीडियो का